हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा रख तो अच्छा ही होगा। तो आज का टॉपिक जो है वो हम बताएंगे वीडियो में, और पहले भी थंबनेल देखो तो मालूम चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। आज टॉपिक है जो मोटर है वो रोटेट कैसे करते हैं, उल्टा दिशा में, सीधा दिशा में, और इंग्लिश में बोलो तो रिवर्स फॉरवर्ड कैसे करते हैं। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए सिंपली तरीके से बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ जाए अच्छे से। मैं इसमें फिनिशिंग नहीं देने वाला हूँ, बस दिखाने वाला हूँ। आप लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसमें फिनिशिंग दे सकते हो। जो पीवीसी पाइप होता है उसमें डाल के एक ड्रिल मशीन बना सकते हो, उसके बाद कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। तो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ नहीं, खाली मैं रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे करते हैं वो बताऊँगा सिंपली। तो जो मैं स्विच लिया हूँ ना, ये है 6 टांगों वाला स्विच है, जो काफ़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट में। तो देख लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। लेकिन मैं ख़रीदा नहीं हुई है, मैं दूसरे कंपनी से खोला हूँ, जो मेरे घर के पुराना पड़ा था उसमें से खोला हूँ। तो इसमें मेरा काम चल जाएगा, मैं देख लिया था मल्टीमीटर से, ये सही काम कर रहा है, इसीलिए मैं इसको ले लिया हूँ। अभी इसको मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ, 4 वायर को सोल्डिंग करने वाला हूँ। बीच में जो 2 टांग है उसको अभी फिलहाल छोड़ दूँगा, बाद में उसमें बैटरी जो है वो ऐड करूँगा। बैटरी वाला जो वायर लगेगा वो बीच वाला टांग में लगेगा। अभी ये 4 वायर निकला है, ये 4 वायर जो निकला है ये मोटर में ही जाएगा, 4 वायर मोटर में ही फिट होगा। तो मेरे चैनल में नया आया है तो सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के हेल्प के लिए। तो लाइक कर देना वीडियो में। अभी बीच में 2 वायर में कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरा बैटरी में जाएगा। और मैं YouTube में नया नया हूँ, तो कभी कुछ बनाया था पहले, उसको वीडियो में डाल नहीं पाया हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि वीडियो में तू YouTube में तू वीडियो छोड़, तो इसलिए मैं उसके लिए मैं खोला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब लोग साथ दोगे तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा, नहीं दोगे तो भी लाऊंगा, क्या है छोड़ना है, ज्वाइन कर लिया तो वीडियो छोड़ता रहूँगा ऐसे ही। तो अब मेरा 6 वायर इसमें से निकल गया स्विच से, तो अब मैं इसको जोड़ने वाला हूँ मोटर में। 4 वायर जोड़ना पड़ेगा मोटर में, ये मोटर बहुत जिद्दी है। जो मोटर में जो मेरा सैम्पल देख रहे हैं ना, वो लोगो बनाया हूँ यूट्यूब का और मेरा चैनल का, मैं खुद ही बनाया हूँ। तो एक्टिविटी दिखा देता हूँ और चलो, ये मोटर में एक साइड में 2 वायर जोड़ दिया, इसको मैं डायग्राम दे रहा हूँ साइड में, देख लीजिए कैसा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ कि अभी नया नया है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए छोटा करने की कोशिश किया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इधर 2 वायर को एक साथ करके इधर चिपका दूंगा, काफी आसान है, आप लोग कर सकते हो। जरूरत है तो खाली ये स्विच का है, स्विच का ही काम है और कुछ नहीं है बस। मोटर में जो वायर लगा है ना, जो तार वायर है जो 4 है वो है, 2 2 क्यों लगा है ये मैं बता देता हूँ पहले, कि एक माइनस है एक प्लस है, उधर भी एक माइनस है एक प्लस है। तो ये स्विच जो है माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए उल्टा सीधा घूमता है, जो डायरेक्शन चेंज होता रहता है स्विच के बदौलत। तो अभी मैं इसमें
एपिसोड निकल लेता हूँ जो वायर है वो बैटरी का सप्लाई में देने वाला हूँ मोटर में। ये मेरा आ गया एडेप्टर का, जो मेरे पास अभी बैटरी है नहीं तो मैं अभी 12 वोल्ट एडेप्टर का ही काम करता हूँ। एडेप्टर से हो जाता सब कुछ, बैटरी अभी लूँगा तो पैसा है नहीं अभी बैटरी खरीदने का, तो अभी एडेप्टर से काम चला लेता हूँ। तो अभी मेरा तैयार हो गया है दिखाने के लिए। आप लोग बनाओगे तो ऐसा थोड़ी बनाओगे यार, इसमें वायर कितना निकला हुआ है इतना कहीं देखने में कैसे लग रही। देखो अभी दिखाने के लिए मैं बनाया हूँ, रोटेट कर रहा है मेरा मोटर, काम करना चालू कर दिया है। देख लो इसमें मैं सलिया डाल रहा हूँ, देखते हैं आप लोगों को दिखा पा रहे कि नहीं। मैं अभी टेप चिपकाऊंगा ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए कि ये रोटेट किस दिशा में कर रहा है, उल्टा या सीधा, उल्टा सीधा दोनों दिशा आपको मालूम चले, इसलिए मैं टेप लगा दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ जाएगा तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये काम कर रहा है, लेकिन आप लोग करोगे ना तो मालूम चल जाएगा आप लोगों को हाँ ये काम करता है। देखो ये काम कर रहा है, उल्टा सीधा घूम रहा है। मैं टेबल पर रख देता हूँ, कभी हलचल मचा रहा है, पूरा टेबल मेरा नाच हिला के रख दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ शेयर भी कर देना। चलो और भी वीडियो लाऊंगा, बाय।